तभी हमें कुचुआ ग्राम में, कुचुआ ग्राम जहाँ बाबा लोकनाथ का जन्म हुआ था वहीं पे है, जन्म स्थान में वहीं पे। यही तालाब है जहाँ पे बाबा स्नान करते थे लोकनाथ बाबा, देख सकते हैं। अभी जाएंगे इस मंदिर में, जल लेके जाएंगे इस मंदिर में जाएंगे, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है। अभी हम बाबा को पूजा के लिए प्रसाद बना रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं। नहीं नहीं वीडियो कुछ है, हमें प्रसाद लेकर के आप यहाँ पे नाम और गोत्र लिखाना पड़ेगा जिनके नाम से आप पूजा दे रहे हैं, तो मैं दे दिया हूँ। और कुछ फूल सब देंगे यहाँ पे, डाला बोला है ना, ये बोला है डाला, यहाँ पे डाला। एक लाइन में पूरा में दुकान यही फूल का ही है, एक लाइन में देख रहे हैं कितना सारा इधर है, फिर उस लाइन में भी है। अच्छा लेके जा रहा हूँ, अभी पूजा होगा उसमें, पूजा जो होता है तो नाम और गोत्र लगता है, तभी जाता हूँ वो बाबा का आश्रम। जल भर के यहाँ बाबा के ऊपर जल चढ़ा के फिर इधर से मेन मंदिर में जाना है, यहाँ पे बाबा का आश्रम से आकर के फिर यहाँ पे पूजा किए हैं। उस मंदिर में गए थे, वहां से फिर यहाँ पे पूजा किए थे। देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा बैठे हूँ पूजा करके, यहाँ पे आप भोग लगेगा मतलब प्रसाद प्रसाद लेंगे तो वो है ऑफिस, वहाँ पे टिकट कटाएंगे, देख रहे हैं ऑफिस। डोनेशन सेंटर भी है वहाँ पे, पता चल जाएगा जो मतलब कहाँ पे प्रसाद मिलता है नहीं मिलता है। अभी बैठे हुए यहाँ पे, कहाँ पे पता है, कुचुआ ग्राम है, कुचुआ ग्राम। तो यहाँ इसका सारा डिटेल सब हम डाल देंगे, कैसे आना नहीं आना है सारा कुछ डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक चीज दिखाता हूँ इसमें, इतना ये है ना, मैंने आम फरा हुआ है, दिखाता हूँ कितना ज़्यादा है, देखिए जहाँ नजर जाएगा वहाँ पे, मतलब कैमरा में आ नहीं रहा है उतना, लेकिन पूरा भरा हुआ है पूरा। यहाँ मैंने कोई हिंदी में वीडियो नहीं बनाया है, मतलब कोई भी हिंदी में ब्लॉग नहीं बनाया है, नहीं एक अकेला हूँ जो ब्लॉग बनाया हूँ हिंदी में और दिखाया हूँ यहाँ पे, और जितना कुछ नहीं दिखाया हूँ जितना मैं नहीं बोल पाया हूँ उसमें मैं ओवर मतलब वॉइस ओवर करूँगा, तो वैसे मुझे वॉइस ओवर करना अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी ये करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे हम। अभी भीड़ बढ़ रहा है देख रहे हैं धीरे धीरे करके, हम तो सुबह में ही आए थे 7-8 बजे आ गए थे, अभी 11 बजने वाला है, तो अभी भीड़ सब लग रहा है। यहाँ पे छोटा सा मेला टाइप का लग रहा है, दुकान सब है, जो सामान सब लेना है वो सामान सब, तो मूर्ति खिलौना वगैरह बच्चों के लिए सब सामान है, दुकान धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ पे फोटो सब भी मिल जाएगा बाबा का मूर्ति सब, देख सकते हैं। Thank you.
अभी 12 बजे के लमसम में प्रसाद मिलता है, अभी जा रहा हूँ लेने के लिए वहाँ पे। अभी लाइन में लगे हैं जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, अभी 12 बज रहे 12। लेकिन कितना 12 बजे मिलते हैं, मतलब 11:30-12 के बीच में मिलते हैं। लंबा भी है तो प्रसाद मिल चुका है यहाँ पे, हम जा रहे हैं इस तरफ में और होगा दूसरे मंदिर भी जाएंगे, दिखाएंगे आप सभी। यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, देख रहे हैं भोजन मतलब बाबा का प्रसाद, देखते हैं क्या है, कूपन ले लिए हैं, दिखाते हैं क्या मिल रहा है, अंदर में जाएंगे। अभी लाइन लगा हुआ है, चप्पल नहीं लेके जाने देता है, मतलब चप्पल बाहर में खोल लीजिए या उधर, तो मैं खोल लिया हूँ अपना, लाइन में लगने जा रहा हूँ, इधर लाइन में लग। अभी सब लोग प्रसाद ग्रहण करके निकले हैं, देख रहे हैं अभी यहाँ पे उठा करके इसमें रख दिया प्लेट और सब अभी निकल रहे हैं। इतना स्वादिष्ट था ना, मतलब क्या बताएं, आनंद आ गया खा के, ओ भाई साहब बहुत ही स्वादिष्ट था यहाँ का प्रसाद, नहीं दिखाएं बट बहुत ही साफ खिचड़ी था और पुलाव और ये इधर पाइस बोला जाता है, जो कि मैं बोल दे रहा हूँ मतलब खीर उसको पाइस बोला जाता है, वो भी था, बहुत मस्त था जो बात है। जाते जाते एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, वह मैं भी आया था, मतलब सुबह में आया था तभी से देख रहा हूँ, तो सोचा आप सभी को भी दिखा देता हूँ। ये तो आम का पेड़ है ही, इसमें एक चीज़ और है, देखिए ये डाली जो है, डाली में देखिए क्या निकला है, डाली के ऊपर में जितना भी डाली सब है ना, सबके ऊपर में घास निकला हुआ है, घास अलग टाइप का फूल है, देखिए वो कैमरा में उतना आ नहीं पा रहा होगा बट है बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का है ये पेड़, मतलब मैं ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं हूँ, ऐसा दृश्य यहाँ का, जितना भी आम का पेड़ सब है ना, सब में है डाली पे, दिखाता हूँ देखिए वो जो घास निकला हुआ है, देखिए ये देखिए कितना घास निकला हुआ है, ये ना अलग चमत्कार है। यहाँ पे जितना पेड़ देखा हूँ आम का नहीं, दूसरा पेड़ सब में भी है, यहाँ पे जितना पेड़ सब है सब में है, इसमें भी देखिए घास निकला हुआ है, देखिए चमत्कार से कम नहीं है ऐसा ना, मतलब जिंदगी में मैं पहला बार देख रहा हूँ और आप सभी को भी दिखा रहा हूँ, मतलब अलग लेवल का है, जितना डाली सब है ना सब पे हुआ है। अभी जा रहे दूसरा मंदिर, यहाँ से निकल के दूसरा मंदिर के पास में 2-4 मिनट लगेगा, जा रहे हैं वहाँ पे दिखाते हैं कौन सा मंदिर है नहीं है। मैं मछली, इसको देंगे भी बिस्किट, इतना है देखिए बहुत बड़ा बड़ा, अरे भाई ओ भाई कितना वो नीचे रहता है, वो ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, यही वाला है भगवान गांगुली जो बाबा के गुरु जी थे, भी जा रहे हैं अंदर में दिखाते हैं। यही घर है भगवान गांगुली जो लोकनाथ बाबा के गुरु जी थे, साढ़े तीन सौ साल पहले का घर, मतलब प्लास्टर कर दिया गया है, देख सकते हैं।
1 hour later. अभी आए हैं चकला धाम। यहाँ पे जूता रखिए और अंदर घुसिए। मैं थोड़ा पीछे हट के दिखाता हूँ ऊपर में क्या दिख रहे हैं। देखिए देखिए कितना सुंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, देखिए कितना बड़ा फील्ड है। देखिए देखने के लिए ये, ओ भाई साहब, हम दूसरे जगह आए हैं। चकला धाम, चकला, क्या सुंदर नजारा है यहाँ का। पेड़ सभी कितना हरा भरा दिख रहा है। अभी कुचवा ग्राम से आकर के, कुचवा के मतलब आकर के, कोई बोलते रहते हैं जो लोकनाथ बाबा का जन्म कुचवा में हुआ है, और कोई बोलता रहता है, मतलब कोई कोई मानते हैं जो यहाँ पे जन्म हुआ है उनका, लोकनाथ बाबा का, यानी कि चकला में जन्म हुआ है, चकला धाम में या तो कुचवा ग्राम में। तो अभी हम लोग यहाँ पे भी आ गए दर्शन करने के लिए, और कुचवा ग्राम का तो पहले देख लिए होंगे, वहाँ का मंदिर सब कैसे कैसा मंदिर है। और कोई कोई लोग मानते हैं यहाँ पे उनका जन्म हुआ था बाबा लोकनाथ का, और कोई कोई कुचवा ग्राम में। ऑटोमेटिक मतलब मोटर से चलने वाला है, ऑटोमेटिक बजता रहता है। सब बैठने के लिए ऊपर भी जाके दिखाते हैं आप सभी को, लेकिन ये सब पूरा बैठने वाला है, ये इसमें सब कोई बैठे हुए हैं अभी, देख रहे हैं। अभी ऊपर भी जाते हैं, वहां से सीढ़ी है, और ये नंदी, नंदी भोला बाबा का सवारी, देख रहे हैं। और एक वहां पे भी है नंदी, दो तो है। ज्यादातर शिव भगवान ही है, शिव भगवान का रूप सब जितना है सब दिखाए हुए हैं इसमें, देख रहे हैं पूरा कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर में खाली है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। यहाँ पे भी बाबा है। कितना सुंदर लग रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद। ये दो मंजिला के ऊपर से ले रहा हूं। अभी नीचे उतर रहा है यहां से। अब जा रहे हैं यहां से सीधा निकलेंगे घर के लिए, या तो कहीं और होगा तो देखते हैं, वहां जाएंगे घूमने। कैसे निकलते हैं यहाँ से इस मंदिर से।